तो हम देखते हैं कि कैसे रेस्टोरेंट का मालिक इस जोकर को मारकर भगा देता है क्योंकि जोकर टॉयलेट में सोच से अपना नाम लिख देता है। अब वह दोनों लड़की रेस्टोरेंट से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन दोनों देखती है कि उनकी गाड़ी का टायर तो पंचर है। दोनों सोचती है कि यह सब जरूर उस जोकर ने ही किया होगा। अब हम उसी रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां रेस्टोरेंट का मालिक टॉयलेट को साफ कर रहा था, जहां उस जोकर ने सोच से गंदगी फैला रखी थी। सीन चेंज होता है और हम मेरी को देखते हैं जो अपनी बहन को कॉल करती है और उसे गाड़ी लाने के लिए कहती है और सारी बात बताती है। फिर से सीन चेंज होता है और हम रेस्टोरेंट के मालिक को देखते हैं जो कि टॉयलेट की सफाई करके आ चुका था और अपने नौकर को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वह देखता है कि उसके नौकर का तो सर ही धर से अलग पड़ा था और वह सर के पीछे उसी जोकर को देखता है और डर कर वहां से भाग जाता है, लेकिन जोकर उसके हाथ को काट देता है और चाकू से उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि मेरी गाड़ी से उतरकर वॉशरूम में चली जाती है। अब गाड़ी में नैन्सी अकेली बैठी थी, वह रेडियो पर सुनती है कि कैसे रेस्टोरेंट के दो स्टाफ को किसी सफेद कलर के जोकर ने मार दिया है। यह सुन नैन्सी काफी हैरान हो जाती है और वह अपने फोन में उसी जोकर के साथ खिंचाई फोटो को देखने लगती है और वह कन्फर्म कर लेती है कि यह वही जोकर है जिसको उसने उस रेस्टोरेंट में देखा था। तभी गाड़ी में मेरी आकर बैठती है तो नैन्सी उसे यह सब बताने लगती है, लेकिन वह देखती है कि वह मेरी नहीं बल्कि वही जोकर है।